हाय गाइस, वेलकम इन मरियम्स रेसिपीज़। आज की रेसिपी बहुत नई होने वाली है। चिकन का गोश्त हो या मटन हो या बीफ हो, उसको साफ़ करने के लिए यही तरीका चलेगा और उससे सेव करने के लिए भी यही तरीका चलेगा। तो इस तरीके से अगर आप चिकन को या मीट को साफ़ कर लेते हैं तो ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा और उसे आप सेव कर सकते हैं। हाँ जी, हेल्दियर रखने के लिए हमें जो भी मीट है विद इन 15 डेज़ यूज़ कर लेना चाहिए। अगर आप इसके अलावा भी इसे सेव करना चाहें तो आप महीना भी कर सकते हैं। मेरे पास ये चिकन मीट है, ये 2 किलो है। अच्छा, इसके दो फायदे होंगे। अगर इस तरह से आप साफ़ कर लेते हैं तो ये बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ हो जाएगा। दूसरी चीज़, ये सेव करने के लिए रेडी हो जाएगा, आप इसको सेव कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि जब आप इसको पकाएंगे तो इसका बहुत अच्छा सा टेस्ट बनेगा और बिल्कुल बोटी जो है वो अच्छी तरह से टेंडर भी होगी और बहुत गली हुई भी नहीं होगी और कच्ची भी नहीं रहेगी। और सबसे अहम बात कि इसके अंदर आपको ब्लड नज़र नहीं आएगा। हमें सबसे पहले ज़रूरत है वाइट विनीगर की। ये रेड विनीगर नहीं है, एप्पल साइडर विनीगर नहीं है, जो डायरेक्टली पीने के लिए यूज़ होता है ये वो नहीं है। ये कुकिंग के लिए यूज़ होता है, वो है सफ़ेद सिरका जो है। तो मैंने कुछ सफ़ेद सिरका इसको लगा दिया है। अब एक और चीज़ जो बाद में पकने के बाद इसका टेस्ट भी इन्हांस करेगी और इसको ज़्यादा देर के लिए सेव करने के लिए हेल्प करेगी, वो है ये नमक। ये रॉक सॉल्ट है, समंदरी नमक नहीं है, ये दूसरा नमक जो होता है ना, लाहौरी नमक, ये वो है। तो हमने थोड़ा सा इसको लगा देना है। मेरे पास है 1 कप पानी, तो मैंने ये पानी भी इसमें शामिल कर दिया है। इसे मैंने इसमें तकरीबन 10 मिनट्स के लिए डिप रहने देना है। लीजिए जी, गोश्त भिगोए हुए 10 मिनट्स हो चुके हैं। आप देख सकते हैं, ये देखिए पानी खुद ब खुद ही, ये ब्लड खुद ही उतर रहा है। आपने बिल्कुल अच्छी तरह से इसको धो लेना है। मेरी सिस्टर्स ने पूछा था कि अदरक लहसुन का पेस्ट क्या करना है, तो मैंने ये देखिए थोड़ा सा अदरक और ये 3 से 4 जवे हैं लहसुन के, जो मैंने 2 किलो गोश्त को लगाने के लिए लिए हैं। इन्हें मैं कुचल लेती हूँ। लहसुन अदरक का पेस्ट हमारा बन चुका है। गोश्त हमने धोने के बाद जो सिरका लगा के और नमक लगा के धोया था, छलनी में डाल लिया, खुश्क हो गया गोश्त। सोया सॉस है, तो मैं ये सिर्फ 1 टीस्पून जो है इसको सोया सॉस लगा देती हूँ। ये देखिए 1 टीस्पून मैंने सोया सॉस लगाया है। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, जो मैं इसके ऊपर अच्छी तरह से सारी बूटियों को लगा देती हूँ। लगाने के बाद आपके लिए ऑप्शनल है, आप थोड़ा सा अगर सिरका भी चाहें तो थोड़ा सा इसको सिरका भी लगा लीजिए, बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा बाद में और एरोमा भी बहुत अच्छा आएगा। तो बस ये सारी चीज़ें लगाकर ये स्टेज है। अगर आप फ्रीज़ करना चाहते हैं, पैकेट्स बनाएं, आप इसे फ्रीज़ कर लेंगे और रेडी है। अगर आपने पकाना है तो आप इसको आधे घंटे के बाद पका लीजिएगा, बहुत अच्छा सा इसमें एरोमा भी आ जाएगा, बहुत अच्छा सा टेस्ट भी आ जाएगा। और इस तरह से आपने जो अदरक लहसुन लगा दिया है, अब इससे ये सेव भी ज़्यादा देर रहेगा और दूसरी बात यह कि जब आप पकाएंगे बहुत अच्छा सा टेस्ट आएगा और आपके वक्त की भी बहुत बचत हो जाएगी। तो उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। जो फ्रेंड्स मुझसे अदरक लहसुन के बारे में पूछ रहे थे, आप इसी तरह से अदरक लहसुन बड़े गोश्त को, छोटे गोश्त को, मटन और बीफ को भी लगा लीजिएगा और पैकेट बनाकर इसको इस तरह से हम फ्रीज करते हैं। उम्मीद है आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।